बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मशीक न्यूज़ के साथ मैं हफिजा कमल। नज़र डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मौजूदा हुकूमत आवाम को बुनियादी सहूलियात फराहम करने के लिए कोशां है। सूबाई हुकूमत की 2 साल कारकर्दगी इस बात का वाज़ेह सबूत है कि मौजूदा हुकूमत एक अवामी हुकूमत है। सूबाई मशीर एक्साइज एंड टैक्सेशन नईम खान बाज़ई। बलोचिस्तान सूबाई असम्बली सेक्रेटरीट के एक एलामिया के मुताबिक बलोचिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज तरमीम बिल 2020 सूबाई असम्बली बलोचिस्तान से 26 अक्टूबर 2020 को मंजूर होने और गवर्नर बलोचिस्तान की तौसीक से 3 नवंबर 2020 को बोलान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज तरमीमी एक्ट 2020 नाफिजुल इल्म हो गया है। कमिश्नर क्वेटा डिवीजन असफंदियार काकड़ की जेरे सदारत मनुष्यात की रोकथाम के हवाले से मनुष्यात एक लानत है और मिलकर इसे ख़त्म करें के उनवान से एक इजलास मुनक्किद हुआ। मनुष्यात का आम होना काबिल तश्वीश अमर है। इजलास के दौरान महकमा समाजी बहबूद हुकूमत बलोचिस्तान की मनुष्यात के आदि मरीजों के इलाज मुआवजे और बहाली सेंटर के डायरेक्टर जावेद बलोच ने ब्रीफिंग देते हुए कहा कि उनके दायरे में मनुष्यात के आदि मरीजों के इलाज मुआवजे पर खुसूसी तवज्जो दी जाती है। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और क्वेटा बार एसोसिएशन की कॉल पर फ्रांस में गुस्ताखाना खाकों के इरशाद और फ्रांसीसी सदर की जानिब से इस्लाम और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखालिफ बयान के खिलाफ अदालतों का मुकम्मल बायकॉट किया गया। वकला का कहना था कि ऐसे वाकयात और बयानात से पूरी दुनिया में रहने वाले मुसलमानों की दिलाजारी हुई है और फ्रांसीसी सदर की जानिब से इस्लाम मुखालिफ बयानियाँ इस्लाम फोबिया को तकवीत देने के मुतरादिफ है। सीपैक की तकमील से मुल्क इक्तसादी और मुआशी तौर पर मजबूत और मुस्तहकम होगा। इस मनसूबे से न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे खित्ते की खुशहाली वाबस्ता है। ये पाकिस्तान और खासकर बलोचिस्तान के अवाम की उमंगों और खुशियों का पुरुद मनसूबा है, जबकि सीपैक के तहत तमाम इलाके में रोजगार, उजरत और तनख्वाहों के वसाइल पैदा होंगे। सूबाई वजीर खुराक बहबूद आबादी सरदार अब्दुल रहमान के थरान। नान भाई एसोसिएशन का 12 रोज से जारी हड़ताल खत्म करने, सरकारी नर्खनामे मुस्तरद करके अपना नर्खनामा जारी कर दिया। और बलोचिस्तान तंदूर एसोसिएशन रजिस्टर्ड के मुताबिक गुज़िश्ता 12 दिनों से तंदूर वाले सरापा एहतजाज थे, जबकि हुकूमत इंतजामिया की जानिब से बगैर मशावरत के नर्खनामा जारी किया गया है जिसको हम मुस्तरद करते हैं। क्वेटा में नॉन बाई एसोसिएशन ने हड़ताल ख़त्म करने का फैसला किया है जिसके बाद शहर भर के तंदूर खुल गए हैं। सूबाई दारुल हुकूमत क्वेटा, गडानी और विंदर में जलजले के झटके महसूस किए गए। जलजला पैमा मरकज के मुताबिक क्वेटा और गिदोनवा में जलजले के झटके महसूस किए गए। जलजले की शिद्दत 4.4 रिकॉर्ड की गई, जबकि जलजले का मरकज क्वेटा से 60 किलोमीटर दूर मशरक में था। जलजला पैमा मरकज के मुताबिक जलजले की गहराई ज़मीन में 35 किलोमीटर थी, जबकि गडानी और विंदर में अमरीकन जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक जलजले की शिद्दत 4.5 रिकॉर्ड की गई। तीसरी नेशनल किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप कराची मुंतकिल। चैंपियनशिप 24 से 27 दिसंबर तक कराची में मुनक्किद होगी। नेशनल चैंपियनशिप से इंटरनेशनल किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप के लिए खिलाड़ियों के इंतखाब किया जाएगा। समीउल्लाह काकर, सदर किक बॉक्सिंग फेडरेशन। जिमनास्टिक के कोच मोहम्मद हफीज का कहना है कि सूबाई हुकूमत दूसरे खेलों की तरह जिमनास्टिक पर भी तवज्जो दें। मजीद तफसीलात जानते हैं यासिर बलोच की इस रिपोर्ट में। बलूचिस्तान की वाइज जिमनास्टिक एकेडमी, जिसमें तमाम जिमनास्टिक प्रोफेशनल टेक्निक्स एक तजर्बाकार उस्ताद के ज़ेर निगरानी सिखाई जाती हैं। एकेडमी के इनेकाद का मकसद बलूचिस्तान को जिमनास्टिक की तरफ रागब करना है। मेरा नाम हफीजुल्ला है और मैं बलूचिस्तान जिमनास्टिक कोच हूँ। यहाँ पे जैसे आप लोगों ने देखे जितने भी इवेंट्स आप लोगों को नज़र आ रहे हैं, जो हमारे जिमनास्टिक के अंदर 6 इवेंट्स होते हैं, तो ये हमने अपनी मदद काफ़ी देखी की है, जिसमें हमारे जो सरकार है वो सरकारी स्पोर्ट बोर्ड हो गया, बाकी जो सरकारी मैं उसमें से किसी का ताउन नहीं सकते। पहले तो जिमनास्टिक बाज़ार के सिर्फ एक नाम जो एसोसिएशन था वो चला रहा था, वो जिमनास्टिक को लोड नहीं कर रहा। तो जब हमने जिमनास्टिक में जब हमने यहाँ हाल बनाया तो ये 3-4 सालों से, तो उसके बाद हमारे बच्चों ने अल्हम्दुलिल्लाह पहले सूबाई गेम के अंदर जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल बलूचिस्तान के लिए तारीखी मेडल लाया, जो बलूचिस्तान के लिए एक एजाज की बात है। असल में ये है कि प्रमोट करने के लिए ये है कि जिमनास्टिक के लिए अपना एक प्रॉपर हॉल होता है, और जैसे कि जितने हमारे 6 इवेंट्स हैं वो प्रॉपर अपनी जगह में फिट होते हैं और जो मैट्रेस है वो उसके साथ ही लगे रहते हैं। एक प्लेयर की इतनी एनर्जी होता है कि वो फॉर्म उठा कि यहाँ पर हमारी ये हालत है कि जैसे हमारे बाहर इवेंट्स लगे हुए हैं, ये इंडोर गेम है, हम सर्दियों में भी हम बाहर लगे हुए हैं, हम गर्मियों में भी बाहर लगे हुए हैं, ये गेम इंडोर गेम है और ये ओलंपिक का सबसे बड़ा गेम है और जिमनास्टिक को मादरी गेम कहते हैं,
जो कि ओलंपिक का सबसे बड़ा गेम है। ये मैथ्स और जिमनास्टिक तो एक महंगा तरीन गेम है, ये तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते जब तक सरकारी सरकार की तरफ से हमारी कोई सरपरस्ती ना हो, तो ये हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जिमनाजियम इसके अपना प्रॉपर एक जिमनाजियम होता है, एक जिमनाजियम पर कम से कम 70-80 लाख रुपये खर्चा हो जाता है। ब्रिजी साहब है और इमरान हिचकी साहब है, इन्होंने मेरा ध्यानी करवाया है कि इंशाल्लाह हम जो जिमनास्टिक है उसको प्रमोट के लिए हम आप लोग के साथ हैं। तो अभी कुछ ही दिनों पहले हमारे ओपनिंग सेरेमनी हुआ जिसमें हमारे चीफ गेस्ट मिनिस्टर खालिद अदारा साहब थे, तो उन्होंने अपने ऐलान में ये कहा कि हम आप लोग को प्रॉपर एक जिमनाजियम जिमनास्टिक का बना के देंगे। और उन्होंने ये भी वादा किया, मतलब ये पहला मिनिस्टर है मैंने जो स्पोर्ट्स के साथ इतना मुखलिस है, कि उन्होंने हमें खुद ही कहा कि आप लोग अपने आस पास की सरकारी जगह देखें ताकि हम लोग आप लोग को यहाँ पर प्रॉपर जिमनास्टिक का एक आम बना। अकेडमी के इंस्ट्रक्टर का कहना है कि जिमनास्टिक बलूचिस्तान में एक नायाब खेल है और वो ये एकेडमी अपनी मदद आपके तहत चला रहे हैं। इस तरह के एकेडमी हुकूमती सतह पर होनी चाहिए जिसमें जिमनास्टिक के खिलाड़ी आगे आ सकें और बलूचिस्तान की रहनुमाई करें। कैमरामैन तौकीर मिरानी के साथ यासिर बलोच, मशरिक HD, क्वेटा। अब तक के लिए इतना ही, मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.mashriq.com.pk।